फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री बीजेपी पर। फ्रेंड्स आज आपने जैसा थंबनेल्स में देखा होगा कि कट ऑफ का मुकाबला है। कट ऑफ कौन से का मुकाबला है, वो है अपने एक तो ALP जो 2018 में हुआ था, यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था 2018 में, जो उसका CBT 1, CBT 2 और डॉक्यूमेंट वेरीफाई तक की कट ऑफ आ चुकी है, ठीक है। और एक हुआ था अपने जो 2019 में हुआ था RRB JEE का। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, जिसने RRB JEE एग्जाम दिया है उन्होंने श्योर सीधी सी बात है कि ALP का एग्जाम दिया ही होगा, क्योंकि जो लोको पायलट है उसमें भी BTEC और डिप्लोमा वालों को अलाउ किया गया था, ठीक है। तो ये आपको सबको अच्छी तरह से पता है, और जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है कि कितनी कट ऑफ रही थी। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार याद दिला दूंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी रही थी। तो फ्रेंड्स आज आपको मैं एक एनालिसिस बताऊंगा, जो इस वीडियो के अंत तक देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पर, उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आए और काफ़ी बेकार बेकार कमेंट भी आए। तो यार ऐसा लग रहा है कि जो ये JEE का एग्जाम दिया ना, वो आधे लोग तो सीरियस होकर एग्जाम दिया और आधे ऐसे फर्जी लोग ही हैं जो इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है पढ़ के, ठीक है। तो उनको पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, वह ऐसे मतलब अपने हिसाब से ही वो गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत गंदे यार, वो JEE के लायक ही नहीं है पहली बात तो ये, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो के कमेंट पढ़ लेना, आपको पता चल जाए कैसे कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं यार। तो फ्रेंड्स कल के वीडियो मैंने बताया था कि इसकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अपने कितनी रह सकती है, 50 के आसपास। क्योंकि फ्रेंड्स इसके दो तीन फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, कारण बताऊंगा कि क्यों इतनी कम तो नहीं कह सकते और ज्यादा भी नहीं कह सकते, एकदम बिल्कुल औसत है। आपको पता है 50 जो है 100 और 1 के बीच में आता है, तो बिल्कुल औसत कट ऑफ है ये, और इतनी रहेगी कट ऑफ श्योर रहेगी। फ्रेंड्स इसके दो तीन कारण है। एक तो मैं आपको कारण बता दूं कि अपने जो ALP का एग्जाम दिया था, जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम दिया था, तो उसकी कट ऑफ पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये है CBT 2 की कट ऑफ और ये है CBT 1 की कट ऑफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो जो CBT 1 की कट ऑफ रही थी वो ये चंडीगढ़ की है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें कितने लोगों, काफ़ी लोगों ने एग्जाम दिया था, क्योंकि इसमें IT वाले भी थे, डिप्लोमा वाले भी थे और BTEC वाले भी थे, सारे थे। तो सीधी सी बात, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो हाइएस्ट कट ऑफ रही थी वो OBC की रही थी 37, SC की 25, SC की 36 और जो अनरिजर्व है उनकी 49। तो फ्रेंड्स इनसे आपको ना कोई मतलब नहीं, अपने को हाईएस्ट कट ऑफ लेके चलनी है वो चलनी है अनरिजर्व की, और दूसरे नंबर हो सके तो OBC की। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि हाईएस्ट कट ऑफ इतनी रही थी, ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ किसी रीजन की नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि ये CBT 1 था, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा थे, तो वो तो बराबर हो गया, क्योंकि इसमें RRB JEE इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है, ठीक है, ये तो बराबर हो गया। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जैसा कि लड़कों ने एग्जाम दिया तो इसकी कट ऑफ मतलब ये कम रही थी, आउट ऑफ 75 थी, ठीक है। तो अब आपन ले रहे आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 लेने के लिए आपने क्या करना होगा फ्रेंड, उससे पहले अपने को देखना होगा जो CBT 2 था उसकी कट ऑफ। अब आपको पता है फ्रेंड जो लड़कों ने CBT 1 दिया उनका जिनका क्लियर हुआ ना वही तो CBT 2 में बैठे, तो इसका मतलब वो अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, वो सब सिंसियर कैंडिडेट थे, सब पढ़े लिखे पढ़ने वाले कैंडिडेट थे, इसका मतलब वो सब क्रीम थी। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जिस क्रीम ने एग्जाम दिया, ओनली क्रीम क्रीम की बात कर रहे हैं, कचरा पीछे छट गया, कचरा पीछे रह गया CBT 1 में। तो अब जिन्होंने अच्छे अच्छे लोगों ने पढ़ने वालों ने एग्जाम दिया वो इतने एग्जाम देने के बाद भी ये कट ऑफ रही थी, कितनी कट ऑफ रही थी, अपन हाइएस्ट ले रहे हैं तो हाइएस्ट ले रहे हैं देखो अहमदाबाद की देख रहे हैं, तो अनरिजल्ट की रही थी 53, ठीक है, और OBC की रही थी 41, अजमेर की रही थी 68 और OBC की रही 58। ये फ्रेंड्स क्रीम लोगों की है, जो क्रीम लोग थे ना उन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है, और यही उनका भविष्य तय किया था, इसी कट ऑफ के आधार पर वो आगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए प्रोसीड हुए थे। तो फ्रेंड्स अब इसी को देख के अपने जो ALP था उसकी CBT 1 की कट ऑफ देख ली, CBT 2 की देख ली, अब देखते अपने RRB JEE की, कि RRB JEE की कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसका मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ, बहुत अच्छा एनालिसिस है, तो इस वीडियो को सीरियसली होकर देखें। फ्रेंड्स ये एक वीडियो है जो मैंने कल अपलोड किया था मेरे चैनल पर, ठीक है, ये कल का देख रहे 11 जुलाई का वीडियो है, ठीक है। इसमें हालांकि डिसलाइक भी बहुत आए हैं, क्योंकि उन डिसलाइक उनके आए जिनने के नंबर अच्छे नहीं आ रहे उन्होंने डिसलाइक किया, सीधी सी बात ये है, मुझे पता है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम एनालिसिस करते तो पता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखो आप देख सकते हो 496 कमेंट, ये सिर्फ मेरे वीडियो के हैं, दूसरे वीडियो की बात नहीं कर रहा, मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप सारे कमेंट पढ़ लेना, और इसमें लगभग के
जो नंबर है वो आ रहा है 40 से 50 के बीच में, लगभग एवरेज, यानी कि 90% लोगों के 40 से 50 के बीच में, और 95% लोगों के 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इन, मैंने कट ऑफ में कितना बताया था कि जिनके 50 के आसपास, यानी 48 से लेकर 52 तक है, वो CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं आराम से, बेफिक्र होकर तैयारी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 100% CBT 1 क्लियर होगा और बिना टेंशन के तैयारी करो। तो मैंने कितना बताया था फ्रेंड्स, 50 के आसपास जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो आप आराम से तैयारी करो, ठीक है। ये देखो मेरे सारे जो है कमेंट्स पढ़ लेना इस वीडियो के नीचे के, और आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहनी है। फ्रेंड्स मैंने तो कोई हजारों कमेंट्स पढ़े हैं, दूसरों के वीडियो भी कमेंट्स भी पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली है। फ्रेंड्स जितना पेपर इजी होता है उतने लोग, उतने जो कैंडिडेट प्रश्न गलत भी करते हैं, ये मेरा खुद का मानना है, और मैंने खुद ने एग्जाम दिया है और काफ़ी लोगों से डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना पेपर इजी होता है, लोग कहते हैं ना पेपर इजी है पेपर इजी है, हालांकि पेपर इजी था, मानते हैं पेपर इजी था, लेकिन पूरा 100 के 100 पेपर प्रश्न इजी नहीं थे, कुछ टफ भी थे, ठीक है। तो इस वजह से आप उस पेपर को मॉडरेट कह सकते हो। और फ्रेंड्स कंपटीशन ऐसी चीज़ है जहाँ पेपर इजी होता है लेकिन फिर भी अपने प्रश्न गलत होते हैं, ठीक है। उसके गलत होने के 3-4 होते हैं फैक्टर कि फ्रेंड्स, एक तो क्या होता है कि जो अपने ऑप्शन दिए होते हैं ना, जैसे ऑप्शन दिए हुए, जैसे ये यहाँ पर मैं बताऊँ आपको फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे अपने प्रश्न दिया, जैसे ये प्रश्न एक, प्रश्न संख्या 1, ये यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है और इसके नीचे ये 4 ऑप्शन हो गए A B C D, ये 4 ऑप्शन हो गए A B C और D। तो फ्रेंड्स अपने क्या पता है, यहाँ अपन ABCD देखते हैं लेकिन नीचे इसके अलग अलग लिखे होते हैं, और ABCD करके ऐसे ऐसे और 4 ऑप्शन यहाँ लिखे, तो अपने को यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ देख के यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आधे वजह से, तो इस वजह से प्रश्न अपने गलत हो जाते हैं। ये मैंने कई बार देखा है और कई लोगों का देखा, और मेरे खुद भी ऐसे 2-3 प्रश्न ऐसे गलत हुए जो इनकी वजह से गलत हुए। तो फ्रेंड्स एक तो ये कारण रहता है, पेपर इजी होता है, प्रश्न इजी होता है, फिर भी अपन इनको सही तरीके से नहीं समझ के गलत कर देते हैं, एक फैक्टर तो ये रहा फ्रेंड्स। और दूसरा फैक्टर ये रहा फ्रेंड्स कि अपन कुछ क्या है, वो वहां पर क्या होता है, टाइमिंग लेवल का पेपर होता है, टाइमिंग वाला पेपर होता है, तो अपन प्रश्न सही नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक प्रश्न आया था, मेरे खुद का बता रहा हूँ, कि जैसे आवर सारणी है ना अपना, आवर्त केमिस्ट्री में आवर सारणी, तो उसमें पूछा था आवर्त का कि इस आवर्त को क्या कहा जाता है, लेकिन अपने क्या रटा होता है, अपने ग्रुप का रटा होता है कि पहले ग्रुप को ये कहा जाता है, दूसरे ग्रुप को ये कहा जाता है, 18वें ग्रुप को ये कहा जाता है, 17वें ग्रुप को ये कहा जाता है, लेकिन उसने पूछ लिया आवर्त का कि दूसरे आवर्त को क्या कहा जाता है। और फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन ऐसे थे कि पहला था सारी मर्दा धातु, पहला था सारी धातु, दूसरा था सारी मर्दा धातु, तो उसने पूछा था दूसरा आवर्त का, तो अपने मैंने सोचा कि पहले दूसरे ग्रुप का पूछ रहा है, तो मैंने सारी मर्दा धातु ऑप्शन कर दिया, वो गलत हो गया। फ्रेंड्स ये बिल्कुल इजी प्रश्न था, फिर भी मेरा गलत हुआ है, तो देख सकते हो कि कितने लोगों का गलत हुआ होगा, होते होंगे ऐसे प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपको पता रखना, ध्यान रखना चाहिए, और आगे के एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तरीके से प्रश्न गलत ना करें आप। और फ्रेंड्स दूसरी बात तो कि ये देखो, आप किसी के भी देख लो, लगभग लोगों के 50 के आसपास ही है, तो कट ऑफ इतनी रहनी है फ्रेंड्स, ठीक है। और हालांकि ये जोन वाइज वेरी कर सकती है, दूसरी बात ब्रांच वाइज वेरी कर सकती है, और तीसरी बात कैटेगरी वाइज वेरी कर सकती है। और आपको एक बार बात बता दो फ्रेंड्स, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो भी इन लोगों ने चेंज कर दिया है, हालांकि ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होना है, लेकिन ज़्यादा शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन अवश्य होगा, और जिनके थोड़े बहुत भी हार्ड पेपर था उनका नॉर्मलाइजेशन अवश्य होगा, उनके नंबर जरूर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है कि आपके नंबर माइनस होंगे, कभी माइनस नहीं होंगे, नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, श्योर बढ़ेंगे, हर एक के चाहे कोई भी शिफ्ट में पेपर हो उसके नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, 1, 2 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ने हैं। क्योंकि मेरे खुद के जो ALP CBT 1 हुआ था उसमें 20 नंबर बढ़े थे मेरे, हालांकि लड़कों ने कहा कि शिफ्ट टफ है, मेरे को शिफ्ट टफ भी थी और उसके मुकाबले पेपर भी वो टफ था और नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा हुआ। तो फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन के बाद बिल्कुल कट ऑफ बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि जिनके रॉ मार्क्स यानी कि जो अभी 50 नंबर आ रहे हैं ना, वो आप CBT 2 की तैयारी करें, और इनसे जिनसे कम आ रहे हैं, जिनको अपने आपको डर लग रहा है कि 40 से नीचे है मेरे, तो आप बेफिक्र होकर ग्रुप डी और NTPC की तैयारी करें, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो राजस्थान से है, जो राजस्थान स्टेट के बंदे हैं, उनके लिए एक और खुशखबरी है कि उनके लिए एक वैकेंसी और आ चुकी है, मतलब आने वाली है जस्ट इस जुलाई या अगस्त, 15 अगस्त तक वो आएगी राजस्थान पटवारी की, लगभग 4000 पोस्ट आने वाली है, क्योंकि पहले 2000 पोस्ट थी जो कि जो अपना राजस्थान स्टेट बोर्ड है उन्होंने लौटा दी है वो अभ्यर्थना, और दोबारा से भेजी है राजस्व विभाग को कि आप इसमें आरक्षण से हिसाब से पोस्ट है हमें जो है अलॉट करके दो। तो वो लगभग 4000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, तो आप उसकी दमदार तैयारी करें, या अगर आपका पेपर अच्छा हुआ हो तो CBT 2 की तैयारी करें,
अगर आपका पेपर बेकार हुआ हो तो आप ग्रुप डी और एनटीपीसी और पटवारी की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, भर्तियों का आपके कोई कमी नहीं है, आप तैयारी करें और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो बकायदा तैयारी करें अपनी सीबीटी 2 की, क्योंकि फ्रेंड्स आगे इसमें ओनली सीबीटी 2 ही एग्जाम है, आगे कुछ नहीं है, आगे तो जो क्वालिफाई वगैरह एग्जाम कुछ नहीं है, जैसे टाइपिंग वगैरह कोई कुछ भी नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और मेडिकल हुआ और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और सैलरी पैकेज भी जेई का अच्छा होता है, तो आप तैयारी करें बकायदा। इसका सिलेबस भी शॉर्ट है क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले को साथ लेके चला है, तो बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक है, आराम से पढ़ सकते हो, बढ़िया से नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो जिनके 50 के आसपास नंबर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डोंट वरी और तैयारी जारी रखो। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो में इतना कहना था, और फ्रेंड्स मेरे को गुस्सा आता है कि ऐसे लोग कमेंट करते हैं, बहुत बकवास कमेंट करते हैं, ऐसे गाड़ा देते हैं, दिमाग खराब होता है कि यार ये लोग तो जेई के लायक ही नहीं, इनको तो पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो आप मेरे कमेंट पढ़ो, उसमें पता चलेगा कैसे कैसे लोग आते हैं, हालांकि ज़्यादातर 90% लोग अच्छे ही हैं, क्योंकि जेई वाले तो सीरियस होकर तैयारी करते हैं, बाकी जो कचरा होता है ना, जिन्होंने फर्जीवाड़े से डिग्रियां ले रखी है, जिन्होंने डिप्लोमा फर्जीवाड़े से कर रखा है, वो ऐसे कमेंट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उनको अब यार मैं तो जवाब नहीं दे सकता, आप ही उनके कमेंट ढूंढ के उनको रिप्लाई में जवाब दे सकते हो, तो आप उनसे मांग सकते हो कि अपना भाई रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, हम देखते हैं तेरा नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, क्यों बकवास ही करते हैं ओनली वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक आपको और काम करना है, जो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो उसमें आपके है ना बकायदा आपका कौन सा जोन था, आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपका क्या शिफ्ट था, कितनी तारीख को एग्जाम था। ठीक है, और वो सारी चीज़ें मेरे को कमेंट करके बतानी, ताकि अगला वीडियो में मुझे और फायदा हो सके, और हो सके तो कुछ भी करके अपने कट ऑफ फाइनल तक पहुंचना है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों।